है क्योंकि सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो करनी है उस तारीख से करनी है, 4 महीने के अंदर जिस तारीख को पब्लिक सर्वेंट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर गलत डिसीजन लिया था, जिस गलत डिसीजन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट को यू लगता है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस लग सकते हैं। केस जो है कॉर्डिलिया का वो अक्टूबर 2021 का है, तो वैसे अगर तुम देखा जाए एफआईआर के अंदर मिस्टर कपिल जो कि एनसीबी के ऑफिसर है जो कि कंप्लेनेंट है, उन्होंने ये कहा है कि 94 ऑफ 21, केस नंबर 94 ऑफ 21 जो कि 2/10/2021 को रजिस्टर हुआ था, उसी केस के सिलसिले में समीर वानखेड़े ने कुछ गलत डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस इनके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस बनता है। अगर अक्टूबर 21 में लिया गया तो सेकेंड प्रोवाइजो के हिसाब से उनको 4 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को खत्म करके एफआईआर रजिस्टर करना था जो कि इन लोगों ने नहीं किए। स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनी थी एनसीबी के अंदर वो बनी थी 25/10/2021 को, अगर आप 25/10/2021 की भी डेट लोगे तो 4 महीने से बाहर जाता है और इसलिए वो इलीगल एफआईआर करार दिया जा सकता है। तीसरी बात, कैट के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जहां पर इन लोगों ने उस रिपोर्ट का रेफरेंस किया वो रिपोर्ट की तारीख है 16 जून 2021। 16 जून 2021 की भी अगर तुम डेट लो तो उस रिपोर्ट से 4 महीने के बाहर ये पूरा एफआईआर पड़ता है। ये सारी की सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है, प्राइमा फेशी रिकॉर्ड हमारा सबमिशन किया गया है, लेकिन सरकार को यानी कि एनसीबी को और सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहता था, वो टाइम दिया गया है। एनसीबी ने टाइम मांगी मंडे तक के, सीबीआई मांग रही थी 1 हफ्ते भर का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्विनेंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी तो 41A की नोटिस